बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इफ्तिखार शरीफ में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। दो दिन पहले आपने देखा है कि 3 मिलियन जो एड्रेस है, यानी वैलिड एड्रेस, जिनमें 1.5 यानी 1.5 मिलियन 15 लाख बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। यानी इससे पता चलता है कि इन लोगों ने बाइंग की है और लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया है। वीडियो भेजाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा और बताइएगा क्या आपने वहाँ पे बाइंग की है। वो जगह कौन सी है? वो 40 से ऊपर और 45 से नीचे, यानी 42 और 43,000 के लगभग दबा के बाइंग हुई है। और वहाँ पर कुछ आप लोगों के फेवरेट यूट्यूबर लकीरें खींच के ले जा रहे थे 30,000-28,000। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, दबा के बोला कि बाय बाय बाय। जिन्होंने बाय कर लिया उनके बारे नहीं आ रहे। जिन्होंने कहा कि अभी सी में गैप पूरा नहीं हुआ, अभी 28,000 सी में गैप बनता है, 30,000 बनता है, तो वहाँ पे जाएंगे। तेरे भाई मार्केट जो मेकर है ना, वो हमसे कई गुना दूर जानते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है ना प्यारे भाइयों, अब सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक्सचेंजेस पे सप्लाई रह गई है, वो भी तकरीबन 5.3, ठीक है, परसेंट, यानी आप कह लिए 6% टोटल सप्लाई का, 6%, यानी आप समझ लें कि 21 मिलियन टोटल सप्लाई है, तो आप 1 मिलियन या 2 मिलियन यानी 10 लाख या 20 लाख जो बिटकॉइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस पर है। बाकी OTC के ऊपर जो बाइंग हो रही थी, जो माइनर सेल करके आगे ब्लैक रॉक, फेडिलिटी, पैनिक, ERK, ये वो जितने भी है, 9 या 10 जितने भी ETF जिनका अप्रूव हुआ है ब्रांड कंपनीज का, ये बाय करते थे, अब वो वहाँ पे सलाम अलैकुम हो गया। आपने देखा जैसे उधर से फिनिश हुआ है तो प्यारे भाइयों एकदम मार्केट ने पम मारा 4-5 हज़ार का, ठीक है। कहाँ 40-42 हज़ार पे थी, तो आपने कल देखा है अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 यानी 48,000-49,000 के राउंड बोर्ड चली गई। अब इकोनॉमिक्स का असूल है प्यारे भाइयों, जिस चीज़ की जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड हो, बायर ज़्यादा हो, तो उसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाती है। मैं डे वन से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ ये बोलते हैं कि अभी और नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी। मैं यकीन दावे से कहता हूँ कि जिन्होंने ऊपर नहीं ना बाइंग करनी, उन्होंने नीचे भी नहीं करनी, जड़े थे कोड़े लोर भी कोड़े, ठीक है। बाकी देखा जाए तो वो जो जिन्होंने 30 लाख लोगों ने तकरीबन 15 लाख बिटकॉइन बाइंग की है, यानी 1.5 मिलियन बाइंग हुई है और 3 मिलियन लोगों ने, तो वो अकल कहते हैं वो पागल है। कहीं उन्होंने 1 बिटकॉइन बाय किया, कहीं उन्होंने आधा बिटकॉइन, कहीं उन्होंने 10,000, कहीं उन्होंने 20,000 का, और उन्होंने ये भी कोई नहीं, उन्होंने ट्रांसफ़र किया वैलेट में, जो कि ऑनलाइन कह लें, ठीक है, आप हार्डवेयर वैलेट के उनमें बाइंग किया और लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया। आपने वहाँ पर बाइंग की थी और होल्ड रखे। अब मैं अपनी तरफ से प्रेडिक्शन देने लगा हूँ, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट, ठीक है, 2 से 3 मंथ है ना, ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने बाद देखिएगा, इंशाल्लाह मार्केट की हालत बहुत चेंज होगी होगी, ठीक है। आप पिछले मंथ में देख लें, इस मंथ में देख लें, आगे वाले मंथ में देख लीजिएगा, यानी 2 महीने का टारगेट आप लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 30-40-50-60% तक, यानी 30% से ज़्यादा और 60% तक जो है वो मार्केट पम मारता हुआ दिखाई देगी। ये कोई नहीं कि अब एक ग्रीन कैंडल बनी है तो उसमें दमादम मस्कल अंदर, एक रेड बन जाए तो हमारी आदत होती है कि दमादम मस्कल अंदर नीचे की तरफ जाएगी। हमारे अक्सर आपको पता है यूट्यूबर ऐसे करते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनती है फुल बुलिश 70,000 पे पहुँचा देते फौरन, और वही मार्केट एक आपको पता रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो प्यारे भाइयों वही जो है वो यकदम उसको नीचे खिला देते हैं। तो लिहाजा मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। ये समझो कि आप लोगों के लिए कोई भी अगर डंप मिलता है ना, तो वो आप लोगों की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, उसको ना समझा करके और जाएगी 20-30-40-60% बाइंग कर ले, ठीक है। अगर बस